हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जल्दी से आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एक प्रीवियस ईयर पेपर हमें करना है बेटा, और इसमें जो भी 90-100 सवाल होंगे इनको हम डिस्कस करेंगे। हाँ ओके, चलिए। तो बेटा, अपने सेशन के बारे में आपको पता है ना सारी चीजें, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ जो बच्चे नए हैं। 7:30 बजे सुबह एनटीए का एक मॉक टेस्ट होता है बायो का। 8:30 बजे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायो का मैं कराता हूँ, ये दोनों सेशन मैं कराता हूँ। आज से 10:30 बजे सुबह एक सेशन होगा अमृता मैम का, जहां पर वो बायो में आपको स्पेशल सरप्राइज सेशन में जो पॉइंट मैंने कराए थे वो रिवाइज कराएंगे। उसके बाद 12 बजे अनुराग सर की क्लास होगी, जहां पर वो फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराएंगे जैसा मैंने कहा था। 3 बजे अमृता मैम की क्लास बायो की होगी, जहां पर वो मैराथन कराएंगी। और 5 बजे फिर अनुराग सर की क्लास होगी, जहां पर केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे। तो ये 6 सेशन आपके हो गए। एक सेशन और मैं रखूंगा बेटा, उसकी टाइमिंग आज हम डिस्कस करेंगे 8, 9 या 10 बजे, ठीक है? तो पीडीएफ के लिए बेटा व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको दिया जा रहा है। जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया, बच्चे पीडीएफ मांगते रहते हैं, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आपको मिल सकती है। और अगर आप चाहें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना? और अगर शुरुआत से लेके अभी तक की सारी पीडीएफ आप एक साथ चाहते हैं तो ये आपको ऐप पे मिल जाएगी, लेकिन वो पेड सेक्शन है। लेकिन केवल 49 रुपीज में आपको सारी पीडीएफ, जितनी आज तक की पीडीएफ हो, सारी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएंगी। पीडीएफ का एक सेक्शन बना दिया गया है, ठीक है? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। टाइम हो रहा है 8:40, 8:40 से हम स्टार्ट करें, देखते हैं कितनी जल्दी आप इसको कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आपसे पूछा, दैट इज द ग्लाइसिन, है ना? ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूलर फॉर्म फ्रॉम एडीपी? एरोबिक रेस्पिरेशन में आपसे पूछा है, सबसे ज्यादा नंबर में एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? सबसे ज्यादा नंबर में एटीपी कहाँ पर बनेंगी? कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब एरोबिक, यानी 38 एटीपी बनती है टोटल। 38 एटीपी में सबसे ज्यादा एटीपी बनती है ईटीएस में। अब ईटीएस में कोई मुझे बताएगा कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है? एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील इज फाउंड इन। बेटा साइफनोस्टील को ट्रू स्टील कहते हैं। स्टील का मतलब क्या होता है? स्टील का मतलब वैस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल और पिथ, है ना? ये पिथ हो गया सेंटर में, ये वैस्कुलर बंडल हो गया और पेरिसाइकिल, इन तीनों को मिला के स्टील कहते हैं। तो स्टील में अगर पिथ होती तो उसे साइफनोस्टील कहते हैं, और अगर नहीं होती तो उसे प्रोटोस्टील कहते हैं। तो एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील के बारे में आपसे पूछा गया है। हाँ, 34 एटीपी। बेटा इस क्वेश्चन में मैंने पूछा था ना, ईटीएस में 34 एटीपी बनते और 4 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑस्मुंडा एंड इक्विसिटम। ऑस्मुंडा एंड इक्विसिटम, इनमें एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील प्रेजेंट होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हीमोलिसिस ऑफ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी की, इसकी डेफिशिएंसी से किसकी हीमोलिसिस हो जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4। इससे आरबीसी की हीमोलिसिस होती है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट? आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सबस्ट्रेट कंपीट विद एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू एन इनहिबिटर प्रोटीन। सही है।
कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन ए सबस्ट्रेट कम्पीट विद एन एंजाइम. नहीं बेटा, सबस्ट्रेट एंजाइम से क्यों कम्पीट करेगा, इनहिबिटर सबस्ट्रेट से कम्पीट करेगा ना. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन बाइंड टू एंजाइम इररिवर्सिबली. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नहीं बेटा रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग होगी. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्पीट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. हाँ ये सही ऑप्शन है. इन कंट्रास्ट टू एनिलेट द प्लेटी हेलमिन सो. एनिलेट के विपरीत अगर प्लेटी हेलमिन की बात करें तो प्लेटी हेलमिन में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, एनिलेट में बॉडी कैविटी या ट्रूसिलोम प्रेजेंट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ लीची. खूब पूछा गया है पहले आपसे ये, तो इसमें एडिबल पार्ट क्या होता है, जूसी एरिल. आप ध्यान रखिएगा लीची में एरिल एडिबल पार्ट होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच. न्यूक्लियर पावर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट. सोलर एनर्जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट. फॉसिल फ्यूल बर्निंग रिलीज ऑफ CO2, बायोमास बर्निंग रिलीज ऑफ CO2. ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा CO2 कॉज करता है, तो सोलर एनर्जी की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है. एंजाइम, विटामिन एंड हार्मोन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर. एंजाइम, विटामिन और हार्मोन में कौन सी बात कॉमन है, पहले अगर दीज आर एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज इन द बॉडी. ये सब बॉडी में सिंथेसाइज होते नहीं बेटा, जैसे अब विटामिन की बात करें, कई सारी ज्यादातर विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है. इनहेंस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ये भी गलत है. आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, नहीं. हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. ई कोलाई इज म्यूटेटेड जेड जीन ऑफ द लैक ऑपेरॉन कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज. अब जेड जीन किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को. अब अगर जेड जीन में म्यूटेशन हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन पाएगा तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा. 11 पे चलते हैं. द डेफिशिएंसीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट नॉट ओनली अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट बट ऑल्सो वाइटल फंक्शन सच एज फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो. अमंग द लिस्ट given below, which group of three elements shall affect most both photosynthetic and mitochondrial electron transport. तो electron transport में देखिए copper का और iron का role तो आप जानते ही है ना, और manganese भी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर electron flow के बारे में, photosynthesis और respiration के बारे में. तो C सब यहाँ पर D सबसे appropriate answer हो जाएगा. Though the cell of the embryo sac does the pollen tube enter the through which cell of embryo sac does the pollen tube enter the embryo sac. तो ये भी अच्छा सवाल है बेटा, ये भी अच्छा सवाल है. प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन इस समय आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो डीजेनरेटेड सिनर्जिड में एंटर करती है. डीजेनरेटेड सिनर्जिड में एंटर करती है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा. इन एन एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन. एक्रोमियन प्रोसेस बेटा कहाँ पर पाया जाता है, एक्रोमियन प्रोसेस इज प्रेजेंट इन द पेक्टोरल गर्डिल ऑफ मैमल. ये मैमल के पेक्टोरल गर्डिल में प्रेजेंट होता है, ये मैमल के पेक्टोरल गर्डिल में प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं. गोल्डन राइस इज ए ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ द फ्यूचर विद द फॉलोइंग इम्प्रूव ट्रेड. गोल्डन राइस क्या है, हाई विटामिन ए कंटेंट हो जाएगा. इन ए टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है, चलिए जल्दी से बताइए. नए क्वेश्चन है थोड़े से यहाँ पर. एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में न्यूसिलस या इंटेगुमेंट से नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटस फिलामेंटस सेल बैक्टीरियम फ्रेंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट द फ्रेंकिया. तो पहला, फ्रेंकिया फॉर्म स्पेशलाइज वेसिकल in which the nitrogenase is protected from oxygen by a chemical barrier involving triterpene haploid. Achha.
इट कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल ऑफ मेनी प्लांट स्पीसीज। Like rhizobium, it usually infect the host plant through root hair deformation and stimulate cell proliferation in the host cortex. ये भी सही है. Cannot fix nitrogen in the frilling state. ये भी सही है. और ए ऑप्शन भी सही, यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है. Can induce root nodule of many plant species. बेटा जो फ्रेंकिया होता है, फ्रेंकिया आप जानते हैं कि एलनस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करा सकता है ना, तो मेनी प्लांट स्पीसीज जो दिया गया ये गलत है, एलनस हो जाएगा. कुछ ही प्लांट स्पीसीज हैं जिनमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करा सकते हैं, जबकि राइजोबियम कई जगह करा सकता है. इन ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड. ऑर्निथिन साइकिल में दो वेस्ट को रिमूव किया जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा अमोनिया है. एट ए पर्टिकुलर लोकस जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एलील इज 0.6 एंड स्मॉल ए इज 0.4. What is the frequency of the heterozygote? Heterozygote की frequency 2pq होती बेटा. तो 2 into p 0.6 into q 0.4 यानी 0.48 आपका आंसर आ जाएगा. 4 healthy people of their 20s got involved in injuries resulting in damage and death of a few cell of the following. Which of the cell are least likely to be replaced by new cell? करें चार दोस्त हैं और उन चारों का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी की ऑस्टियोसाइट डैमेज होती है, किसी की लीवर सेल, किसी का न्यूरॉन और किसी की स्किन की मालपीजियन लेयर डैमेज हो जाती है. तो अगर किसके रिप्लेस होने की संभावना सबसे कम होगी, लीस्ट संभावना कहां पर होगी, तो न्यूरॉन आप जानते हैं इनमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. विच ऑफ नॉट द फॉलोइंग मेक यूज ऑफ आरएनए एज ए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए. आरएनए टेम्पलेट है डीएनए की सिंथेसिस के लिए, मतलब आरएनए से डीएनए बन रहा है और आरएनए से डीएनए बन रहा है तो कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज होगा यहाँ पर. ए स्टूडेंट विशेस टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप हैविंग 10x आईपीस एंड 45x ऑब्जेक्टिव. ही शुड इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट सो गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन. अगर उसको बेस्ट रिजोल्यूशन चाहिए, अगर उसको बेस्ट रिजोल्यूशन चाहिए तो किसका यूज करेगा, ऑप्शन देखिए जरा, रेड ग्रीन येलो एंड ब्लू. तो अगर बेस्ट रिजोल्यूशन चाहिए है ना, बेस्ट रिजोल्यूशन चाहिए तो ये देखिए वेवलेंथ का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. अगर वेवलेंथ कम होगी तो रिजोल्यूशन ज्यादा होगा, तो बेस्ट रिजोल्यूशन के लिए ब्लू लाइट का यूज करेंगे, बेस्ट रिजोल्यूशन के लिए ब्लू लाइट का यूज किया जाएगा. तो 21 का यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा. एज कंपेयर टू C3 प्लांट हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर नीडेड टू फॉर नेट प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस सुगर बाय C4 प्लांट. तो C3 प्लांट में 18 ATP की रिक्वायरमेंट होती है और जो C4 प्लांट होते हैं बेटा इनमें 30 ATP की रिक्वायरमेंट होती है. तो आपसे पूछा कितने एडिशनल ATP की जरूरत होगी, 12 ATP ज्यादा चाहिए C4 प्लांट में एक ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए. ठीक है, एक ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए 12 ATP ज्यादा चाहिए. BT स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर द डिजाइनिंग नोबेल. तो BT का यूज किसके लिए किया था, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए. सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन और डाइजेस्टिव हार्मोन दे आर सिक्रेटेड इन. सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में आपसे पूछा गया कि इनका सिक्रीशन कहाँ से होता है, इनका सिक्रीशन ड्यूडिनम रीजन से होता बेटा है ना, ये ड्यूडिनम रीजन से सिक्रीट होते हैं. ग्रे क्रेसेंट इज द एरिया, ये भी अब NCERT में नहीं है बेटा और अच्छा सवाल है, पूछा जाता है ग्रे क्रेसेंट, क्योंकि जिपमर और अब एम्स इंक्लूडेड है तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद भी करनी पड़ेगी. तो ग्रे क्रेसेंट इज द एरिया जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम. ओवम में स्पर्म जहां से एंट्री करता है उसके अपोजिट जो एरिया होता है उसे ग्रे क्रेसेंट कहा जाता है. चलिए पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस का मतलब होता है कि कोई बैक्टीरिया है
और उसकी बॉडी पर चारों तरफ से इस तरीके से फ्लैजिला लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिट्राइकस कंडीशन। चलिए मैच करिएगा जरा, पेरिट्राइकस कंडीशन इकोलाई में पाई जाती है, इकोलाई में। एक एल से आपने मैच करते, देखिए एक भी जानते तो आपका करेक्ट आंसर तो आ गया कि ए आंसर आपका सही होगा। अब लिविंग फॉसिल की बात करते हैं तो लिविंग फॉसिल में क्या हो जाएगा, जिंगो लिविंग फॉसिल हो जाएगा। राइजोफोर की अगर हम बात करते हैं तो राइजोफोर सेलेजनेला में पाया जाएगा। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट उल्फिया हो जाएगा, और लार्जेस्ट अगर एल्गा, देखिए एल्गा इधर चला गया है, लार्जेस्ट एल्गा की बात करते हैं तो ये मैक्रोसिस्टिस हो जाएगा, मैक्रोसिस्टिस लार्जेस्ट एल्गा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। यूजिंग इम्प्रिंट फ्रॉम ए प्लेट विद कंप्लीट मीडियम एंड कैरिंग बैक्टीरियल कॉलोनीज यू कैन सेलेक्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट म्यूटेंट and prove that such mutation do not originate as adaptation. These imprint need to be used. Question number 27. ये एक experiment था, Lederberg replica experiment की तरह का है ना, और उसमें इस तरह के question पूछे जाते थे। तो इसमें याद कर लेना, only on plate with streptomycin, B option correct होगा यहाँ पर। Chemiosmotic theory of ATP synthesis in the क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। केमियोस्मोटिक थ्योरी किस पे बेस्ड है, प्रोटॉन के ग्रेडियंट पर बेस होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग नहीं ओरिजिनेट हो सकते, ये किसके द्वारा बताया गया, तो मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड वेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन ए वेसल। अगर मीट को हीट करके और एक सील वेसल के अंदर रख दिया जाए तो नहीं सड़ता है, और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, कोई मुझे बता सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। डिसइंफेक्शन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए किसका यूज नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्टी। बेटा पाश्चर नहीं थे, मीट वाला केस जो है वो तो किल्ड ईस्ट वाला केस था, ईस्ट वाला केस था बेटा वो। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था इसका, फ्रांसिस्को रेडी कुछ याद आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो फिनाइल का यूज डिसइंफेक्शन के लिए नहीं करते हैं, बाकी क्लोरीन, क्लोरामीन और ओजोन का यूज करते हैं। देखिए फिनाइल ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं यूज करो, फिनाइल तो आप देखिए घर में फर्श को साफ करने के लिए किया था, ये भी आप समझ सकते हो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल फॉर द क्लास मैमेलिया। मैमेलिया के लिए करें कौन सा टिपिकल नहीं है, तो एल्वियोलर लंग, एल्वियोलाई होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, थीकोडॉन डेंटिशन, क्रेनियल नर्व मैमल में 12 पेयर होती है, यहाँ पर 10 पेयर लिखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। Which is correctly match pair. सबसे पहले आपको दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज के लिए, हाँ बिल्कुल सही, क्लाइमेट चेंज के लिए था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था किसके लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, तो गलत हो जाएगा है ना। चलिए तो बाकी ए स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑक्सोस्पोर एंड हार्मोसिस्ट आर फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली बाय, ऑक्सोस्पोर एंड हार्मोसिस्ट। ऑक्सोस्पोर कौन बनाता है, डायटम बनाता है, और हार्मोसिस कौन बनाता है, साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ऑक्सोस्पोर सेवरल डायटम और हार्मोसिस फ्यू साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सेलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। करें डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सेलेक्शन को कौन सपोर्ट करता है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 34, तो बेटा डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट। पेस्टिसाइड या आप कह सकते हैं कि जो मॉस्कीटो की बात करें, जैसे मॉस्कीटो है, ये डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्कीटो का जो इवोल्यूशन है ये भी डार्विन के नेचुरल सेलेक्शन को साबित करता है।
क्वेश्चन नंबर 35, द नेम ऑफ नॉर्मन बोरलॉग इज एसोसिएटेड विद, नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहते हैं, फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है और ब्लू रिवोल्यूशन फिशेस से रिलेटेड है, फिशेस से रिलेटेड है। येलो रिवोल्यूशन ऑयल से रिलेटेड होगा। न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ईच न्यूक्लियोटाइड इज द कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म बाय, एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, बेस से, सुगर से और फॉस्फेट से, तो करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली यूज फॉर इंड्यूस्ड म्यूटाजेनेसिस इन क्रॉप प्लांट, तो बेटा अगर म्यूटाजेन की हम बात करें तो आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया कि गामा रेस के द्वारा क्रॉप प्लांट में म्यूटेशन कराया जाता है और जो म्यूटेशन को इंड्यूस करता है उसे म्यूटाजेन कहा जाता है। One of the following is the most important function of botanical garden is that botanical garden they allow ex situ conservation of germplasm, ex situ conservation A सही हो जाएगा। The net pressure gradient that cause the fluid to filter out of the glomerular capsule, glomerulus capsule में net filtration pressure या effective filtration pressure, net या effective filtration pressure वैसे तो आप जानते हैं 10 mmHg होता है, लेकिन 10 mmHg ऑप्शन नहीं दिया गया तो उसके क्लोज ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए, यानी 20 mmHg को आप सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि 10 दिया नहीं गया आपको। एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन ब्लड एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस, तो इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल होती है बेटा वो माइक्रोविलाई बनाती है ना, इंटेस्टाइन में जो विलाई है, विलाई के लाइनिंग वाली सेल माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करती है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, काफी डिस्प्यूट भी होता है इस क्वेश्चन पे। इफ मैमेलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, अगर मैमेलियन ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो उस केस में क्या होगा, अनलाइकली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, दैट इज अनलाइकली, अगर मैमेलियन ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बेटा देखिए आंसर तो आपका बी और सी ये भी सही है क्योंकि प्रोस्टेरोन का सिक्रीशन घटेगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होगा, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन माना जाता है वो डी ऑप्शन को माना था अनलाइकली। The catalytic efficiency of two different enzyme can be compared by the, अगर दो एंजाइम की कैटलिटिक पावर को कंपेयर करना है तो कैसे, KM वैल्यू के द्वारा कंपेयर करेंगे, जो एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट है उसकी KM वैल्यू क्या होगी, अगर एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट है तो KM वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ द इंडिया अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट का पास हुआ था 2002 में पास हुआ था, 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास हुआ था। द सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इन द डिप्टेरन लार्वा आर यूजफुल इन जीन मैपिंग बिकॉज, सलाइवरी ग्लैंड बेटा जायंट क्रोमोसोम होते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर किसी किसी एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा है तो उसकी केम वैल्यू कम होनी चाहिए, केम वैल्यू कम होगी तो एंजाइम की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम बेटा जायंट क्रोमोसोम है और ये एंडो रीडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं और इसलिए जीन मैपिंग में इनका यूज किया जाता है, ये यूजफुल होते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 45 पे चलते हैं, टॉप शेप मल्टीसिलिएट मेल गैमी, टॉप शेप लट्टू के आकार के, बायोनेट में क्वेश्चन दिया गया है, द मैच्योर सीड विद बियर ओनली वन एम्ब्रियो विद टू कॉटलेडन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, टॉप शेप जो मेल गैमेट स्पर्म हो साइकस में पाए जाते हो, साइकस किसका मेंबर है, साइकेट का मेंबर है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फाइव स्टेटमेंट कंटेन ऑल द थ्री करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेरी बेरी, क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, बेरी बेरी वाला क्वेश्चन पहले भी आपको कराया गया है, करें एक क्रिपलिंग डिजीज प्रीवेलेंट अमंग द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ सब सहारन अफ्रीका, ए डिफिशेंसी डिजीज कॉज बाई लैक ऑफ द थियामिन विटामिन B1, हाँ ये सही है, ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन व्हेन द डाइट इज
परसिस्टेंटली डिफिशियंट इन एसेंशियल प्रोटीन, ये तो मेरे समझ कौ से होकर की बात हो रही है, अकर इन दोज कंट्रीज वेयर द स्टेपल डाइट इज पॉलिश राइस। बिल्कुल, पॉलिश राइस खाने की वजह से इसकी बेरी बेरी हो सकता था। सिम्टम आर पेन फ्रॉम न्यूराइटिस, पैरालिसिस, मसल वेस्टिंग, प्रोग्रेसिव एडिमा, मेंटल डिटेरियोरेशन एंड फाइनली हार्ट फेलियर, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है और सी गलत है। आपसे करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बी डी ई, बी डी ई यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज ए माइक्रो न्यूक्लियस फॉर ट्रॉफिक फंक्शन एंड वन और मोर माइक्रो न्यूक्लियाई फॉर रिप्रोडक्शन, किसकी बात हो रही बेटा? सिलिएटा में करेक्ट होता है, एनसीईआरटी में नहीं लेकिन बायोनेट में दिया गया। और सिलिएटा का मेंबर यहाँ पर कौन है? पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म होती है। प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल अकर, प्रोटीन सिंथेसिस एनिमल सेल में कहाँ पर होती है? ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया में हो, दोनों जगह करेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर, ठीक ध्यान दीजिएगा, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। तो सेंट्रोमियर का काम क्या होता है? ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड पोल, क्योंकि यहीं पर काइनेटोकोर होते हैं और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं और अपोजिट पोल की तरफ लेके जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में करा इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कौन, अगर एंड से रिलीज करना है तब तो एक्सोन्यूक्लियेज होगा, लेकिन इंटरनल कह रहा है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियेज हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय, कार्बोहाइड्रेट को कौन प्रोड्यूस करता है? कार्बोहाइड्रेट को कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल। यहाँ पर भी ऑप्शन में ऑल बैक्टीरिया दिया है, फिर फंजाई दिया है, वायरस दिया गया, तो बाकी ऑप्शन तो गलत ही हो जाएंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एनिमल हैव द इननेट एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेशन, एग्जाम्पल ऑफ द सेम आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जाम्पल। तो करें कि एनिमल में इननेट एबिलिटी होती प्रीडेशन से बचने के लिए, कौन सा गलत ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 52 के लिए? चेंज कलर इन कैमिलियन, गिरगिट अपने कलर को चेंज कर लेता है बिल्कुल बचने के लिए। इसके अलावा मेलेनिज्म इन मौत, मौत में मेलेनिज्म का केस, ठीक है। पॉइजन फैंग इन स्नेक, स्नेक में पॉइजन फैंग, ये भी प्रेडेशन से बचने का तरीका है। Enlargement of body size by swallowing air in pufferfish, ये गलत है, ये incorrect statement, बाकी तो सब सही हो जाएंगे ना। 152, हाँ ठीक है, बाकी सब सही है। Which of the following represent an ovule where the embryo sac become horseshoe shape, ये question मैंने कराया, horseshoe shape का embryo sac and funicle and micropyle are close to each other, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। horseshoe shape embryo sac अगर आपसे पूछा जाता है तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? एम्फीट्रोफस, एम्फीट्रोफस हो जाएगा। थ्री क्रॉप दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड प्रोडक्शन आर, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? वीट, राइस, मेज का कंट्रीब्यूशन टोटल फूड प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा है। टीलोमेरेज इन एन एंजाइम विच इज ए, टीलोमेरेज एंजाइम, टीलोमेरेज बेटा नॉन प्रोटीन एंजाइम, नॉन प्रोटीन एंजाइम है बेटा, और ये टीलोमेरेज एंजाइम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के द्वारा बना होता है। 155 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, Produced by pea plant having genotype this, it should be crossed with the plant with genotype. तो बेटा मैंने आपको बताया था अगर different type के gamete के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ये test cross का case बनेगा, तो इसका cross किससे कराओगे आप? Recessive parent से कराओगे, यानी B option आपका सही हो जाएगा। Prolonged liberal irrigation, करें कि अगर आप लगातार सिंचाई करते रहते हैं, हाँ,
एग्रीकल्चरल फील्ड इज लाइकली टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ, तो इससे सेलिनिटी की प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। सेलिनिटी है ना, सॉयल सेलिनिटी की प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी अगर लगातार आप सिंचाई करते रहते हैं खेत में। अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन और सेमी फ्लूइड वेयर लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन कैन डिफ्यूज रैंडमली, इन रिसेंट ईयर दिस मॉडल हैज बीन मॉडिफाइड इन सेवरल रेस्पेक्ट। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया। प्रोटीन कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड पाइलर, नहीं बेटा प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता। एनसीईआरटी ने लिखा कि प्रोटीन में लेटरल मूवमेंट होता, लेटरल मूवमेंट, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करती है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड ए फंगस विद इन द लाइकेन, द फंगस, फंगस का काम क्या होता है, फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन ए ओडी डाइकोट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू मेनली कहाँ पर पाए जाएंगे अगर एक उडी डाइकोट्री, उडी मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, और सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी तो सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम और रूट में, तो यहाँ पर तो सेकेंडरी टिश्यू मिलेंगे, ऑल पार्ट भी आंसर नहीं हो सकता है। सूट टिप एंड रूट टिप आपसे दिया गया, सूट टिप एंड रूट टिप, फ्लावर फ्रूट लीव्स, प्राइमरी टिश्यू, हाँ अगर उडी डाइकॉट है तो फ्लावर फ्रूट और लीव्स जो है बेटा इनमें प्राइमरी टिश्यू प्रेजेंट होंगे, इनमें प्राइमरी टिश्यू, फ्लावर में, फ्रूट में, लीव्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो इनमें प्राइमरी टिश्यू ही पाए जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन, सी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं लेकिन डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। Which of the following is not a hereditary? कौन सी genetic disease नहीं? Hemophilia, cystic fibrosis, thalassemia genetic disease है, लेकिन creatinism की अगर बात करें तो ये बेटा thyroxine deficiency से होता है। Which of the following is relatively most accurate method of dating of fossil? Fossil की dating के लिए सारे तरीके सही, लेकिन electron spin resonance ESR भी कहते हैं बेटा इसे, और ये सबसे ज्यादा accurate method होता है फॉसिल की डेटिंग करने के लिए। मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन, 70% से ज्यादा दुनिया का जो फ्रेश वाटर है वो बेटा कहां पर है, दैट इज प्रेजेंट इन द पोलर आइस, ये ध्रुवों पे जो बर्फ जमा है वहां पर प्रेजेंट है। ए वुमन विद नॉर्मल विजन बट हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, अब करें वुमेन का फादर कलर ब्लाइंड था, तो कलर ब्लाइंड फादर की जो लड़की होगी बेटा उसमें एक जीन तो आ ही जाएगा कलर ब्लाइंडनेस का, तो वुमेन हो गई कैरियर। मैरीज ए कलर ब्लाइंड मैन, इसकी शादी होती है कलर ब्लाइंड मैन से, कलर ब्लाइंड मैन ये हो गया। सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वाज ए बॉय, दिस बॉय, अब इसका तरीका मैंने सीधे बताया था कि अगर मदर कैरियर है तो 50% लड़कों में बीमारी हो जाएगी, 50% है ना, तो करेक्ट ऑप्शन मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी नॉर्मल विजन, इसके लिए पेडिग्री आपको बनाने की जरूरत नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल, क्योंकि जेनेटिक कोड कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, और ये क्वेश्चन पहले आपसे सीबीएसई में पूछा गया और फिर नीट में रिपीट किया गया 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इफ इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम वुड कॉज coagulation of blood at the site of its introduction. करेक्ट, किसको ब्लड में इंट्रोड्यूस कर दे तो ब्लड क्लॉट कट जाएगा, 166 क्वेश्चन में। तो हिपेरिन तो एंटी कोएगुलेंट होता है बेटा, है ना, हिपेरिन फाइब्रिनोजन तो ब्लड में पाया ही जाता है। क्या करेंगे इसमें, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन को अगर हम ब्लड स्ट्रीम में किसी जगह पर इंट्रोड्यूस कर दे तो वहां पर ब्लड क्लॉट बन जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द वर्ल्ड हाईली प्राइज्ड ऊल यील्डिंग पश्मीना ब्रीड इज, पश्मीना, पश्मीना कल भी शायद मैंने आपको कराया था ना, पश्मीना,
पश्मीना किससे ऑप्टेन किया जाता है बेटा? पश्मीना, एक सेकंड रुकिएगा जरा, तुम लोग ऐसे ऐसे ऑप्शन करते हो ना कि टीचर भी कंफ्यूज हो जाए। हाँ टिक की ओपीडी मिल जाएगा, ठीक है। गोट से ऑप्टेन किया था बेटा, पश्मीना जो होता है गोट से ऑप्टेन किया जाता है, और बहुत बढ़िया सवाल है। पश्मीना को गोट से ऑप्टेन किया था, ऊल जनरली तो आप जानते हैं सीप से मिलता है, लेकिन जो पश्मीना है बेटा ये गोट से ऑप्टेन किया जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल बिकॉज, क्या रीजन है इसका? क्वेश्चन नंबर 68, मतलब कहने का ये कि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इंटू बंडल सीट सेल, बंडल सीट सेल में जो CO2 होता है डिकार्बोक्सिलेशन से CO2 रिलीज होता है ना, और CO2 के रिलीज होने की वजह से, CO2 के ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, और बंडल सीट के अंदर ही रूबिस्को पाया जाता है। रूबिस्को अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता तब फोटो रेस्पिरेशन होता, लेकिन CO2 का कंसंट्रेशन बंडल सीट में ज्यादा होने से फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। नी जर्क रिफ्लेक्स ये तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर कंट्रोल किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जो रिफ्लेक्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कंट्रोल किए जाते हैं। अब जो ऑटोनॉमस जैसे पेरिस्टाइलिस ऑफ द इंटेस्टाइन, ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। एट व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन यूकैरियोटिक सेल, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस आपसे पूछी है कि हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस कब होती, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया। देखिए सारी प्रोटीन G1 और G2 में बनती है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस एस फेज के दौरान होती है, तो 70 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 71, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डीएनए सीक्वेंस एंड द डीएनए एज्यूम ए सैडल लाइक स्ट्रक्चर एट दैट पॉइंट, व्हाट इज द सीक्वेंस कॉल्ड? तो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बाइंड करता है, टाटा बॉक्स, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा। द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन एंड राउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन, दैट इज द, क्या करेंगे? न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन। तो यहाँ पर जो कि गॉल्जी बॉडी नहीं दिया गया, तो करेक्ट आंसर क्या करोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लोगे। डैमेज टू थाइमस इन ए चाइल्ड मे लीड टू, थाइमस अगर डैमेज हो गया तो लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वहां पर CMI डेवलप नहीं हो पाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कामनेस रिलैक्सेशन एंड ड्राउसीनेस, तो आपको याद करना पड़ेगा वैलियम, वैलियम, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में भी रिपीट हुआ था, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाई द वीवी पेरी इज अनडिजायरेबल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट, एनुअल क्रॉप प्लांट में वीवी पेरी क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि अगर एनुअल क्रॉप प्लांट में वीवी पेरी होगी तो हम सीड को नेक्स्ट सीजन के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये बायोनेट में सारे क्वेश्चन आपको दिए भी गए हैं। देर आर टू अपोजिट व्यूज ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन अकॉर्डिंग टू वन व्यू होमो इरेक्टस इन एशिया वॉज द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ डीएनए हाउएवर सजेस्टेड अफ्रीकन ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डीएनए वेरिएशन कुड सजेस्ट दिस? क्वेश्चन नंबर 76, दो तरह की व्यूज हैं, एक कहता है कि होमो की ओरिजिन, ह्यूमन की ओरिजिन एशिया में हो, और कुछ कहते हैं अफ्रीका में हुई है, तो इसका रीजन क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा ग्रेटर वेरिएशन इन एशिया देन अफ्रीका। सर इसका बायोनेट में आंसर गलत दिया हुआ है बेटा, सिमिलर वेरिएशन दिया, तो अगर आपने बायोनेट किए तो इसका आंसर ये ए याद कर लीजिएगा, ग्रेटर वेरिएशन एशिया देन इन अफ्रीका, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए स्पीसीज. मेंबर ऑफ ए स्पीसीज का इंटरब्रीड, ये तो सही है. वेरिएशन अकर अमंग मेंबर ऑफ ए स्पीसीज, ये भी सही है. जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, करें जीन फ्लो एक पॉपुलेशन की स्पीसीज में नहीं होता, ये गलत है बेटा. जीन फ्लो होता है ना, एक ही स्पीसीज की दो पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्लो होता है, और ये हार्डी विनबर प्रिंसिपल में आपको बताया भी गया. पार के बारे में आपसे पूछा कि पार की रेंज कितनी होती है, तो पार की रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर. हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल देन इन ह्यूमन फीमेल बिकॉज हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर मेल में ज्यादा कॉमन होते हैं. उसका रीजन क्या है, क्योंकि दिस डिजीज इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड, क्लोरोफिल कहां पर पाया जाता है बेटा, ग्रेना में पाया जाता है ना, ग्रेना या थायलाकॉइड, जो भी ऑप्शन होगा आप कर लेंगे. एड्स इज कॉज बाय द एचआईवी दैट प्रिंसिपली इन्फेक्ट, तो एड्स किसको अटैक करता है, T4 लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करता है यहां पर. विच आर द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, सवाना अकेशिया ट्री, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 82, कोनीफेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्रीज, कोनीफेरस ये भी सही. टुंड्रा पम्फ्रॉस पोलर रीजन सही है. प्रेरीज एपिफाइट, ये गलत है. प्रेरीज जो आपको दिया गया ये गलत दिया गया है, डी ऑप्शन याद करना पड़ेगा बेटा, है ना, क्योंकि अब एनसीईआरटी में तो दिया नहीं गया. विच ये तो आज ही की आपने, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाई लीफ पीसेस ब्रायोफिलामेंट कलंचू एनटीएनए, ये क्वेश्चन भी आपको कराया. पार्किंसन डिजीज कैरेक्टराइज बाई ट्रिमर एंड प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ लिम्ब इज कॉज बाई डीजनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन दैट आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ कंट्रोल एंड मेक यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. पार्किंसन डिजीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका जिसकी वजह से जो ब्रेन है वो डीजनरेट हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 84, और ये भी बढ़िया सवाल है बेटा. क्वेश्चन नंबर 84, पार्किंसन डिजीज, पर्सन भूलने लगता है बुढ़ापे में चीजों को, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द डोपामिन. एक और बीमारी आपने पढ़ी अल्जाइमर, अल्जाइमर में आप पढ़ते हैं किसके बारे में, अल्जाइमर में दूसरा अमीनो एसिड, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है. पार्किंसन में यहाँ पर डोपामिन हो जाएगा, ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पार्किंसन के लिए अलग याद करना है और अल्जाइमर के लिए अलग केस आपको याद करना है. ए वुमन विद 47 क्रोमोसोम ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21, 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई, दैट इज द डाउन सिंड्रोम. ए मैन एंड वुमन हु अल्जाइमर का बेटा केस अलग, अल्जाइमर का केस यहां पे नहीं यूज करना है. A man and woman who do not show any apparent sign of a certain inherited disease have several children, 2 daughter, 5 son. 3 of sons suffer from the given disease, but none of daughter are affected. Which of the following mode of inheritance do you suggest this disease? 5 लड़कों में से 3 लड़कों को बीमारी, किसी भी लड़की को बीमारी नहीं है. तो सोचो जरा इस बारे में. मैन जो पेरेंट है उनको बीमारी नहीं, पहले तो ये चीज भी ध्यान देनी कि पेरेंट को बीमारी नहीं. हु डू नॉट शो एनी अपेरेंट साइन ऑफ सर्टेन इनहेरिटेड डिजीज. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करते हैं कि सन को बीमारी है, डॉटर अफेक्टेड नहीं है. सन अफेक्टेड है 5 में से, मतलब कुछ सन अफेक्टेड कुछ नहीं है. लड़कियों को बीमारी नहीं, पेरेंट में किसी को बीमारी है नहीं, तो आप सोचिए कि हीमोफीलिया में ऐसा हो सकता है. हीमोफीलिया में अगर ये वुमेन जिसको बीमारी नहीं लेकिन अगर ये कैरियर हो, तो लड़कों में तो बीमारी जाएगी ना, और लड़कियों में नहीं जाएगी, तो इसका आंसर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा बेटा. सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा ये. क्योंकि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करते हैं तो ऑटोसोमल रिसेसिव में बीमारी डॉटर और सन दोनों को होनी चाहिए. अगर डोमिनेंट डिजीज पे आप जाते हो, अगर डोमिनेंट डिजीज में आप जाते हो तो पेरेंट को डिजीज होगी तभी बच्चों को होगी, है ना.
तो डोमिनेंट तो वैसे भी नहीं हो सकता है, डोमिनेंट वैसे भी नहीं हो सकता है। और सेक्स लिमिटेड तो आप जानते हैं कि सेक्स लिमिटेड एक पर्टिकुलर सेक्स में होता है ना, सेक्स लिमिटेड। एट विच लैटिट्यूड हीट गेन थ्रू आइसोलेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हीट लॉस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये तो याद ही करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में तो आपको दिया नहीं गया है ना। हीट लॉस और हीट गेन के बारे में आपसे पूछा है, ये जो लिखा है ये 42.5 डिग्री ऐसे लिखा है, ये 22.5 डिग्री आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। In a man, abducens nerve is inserted. Which of the following function will be affected? Abducens nerve. Hold on tree top. Adjusting. छठी है ना ये? Hold on tree top. Adjusting abducens. तो abducens अगर inserted हो जाए किसी person में तो क्या हो जाएगा? 3, 4 और 6 ये आई को इनर्वेट करते हैं, आई को कंट्रोल करते हैं। तो आई बॉल का जो मूवमेंट है बेटा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आई बॉल का मूवमेंट है ना, लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो लुकिंग लंदन वाला केस बन जाएगा है ना। निशाने कहीं, नजरे कहीं पर, निशाना कहीं पर, कुछ ऐसा होता है ना, तो वही केस बन जाएगा यहाँ पर। लोग देखते अलग हैं और निशाना कहीं अलग लगा रहे होते हैं, तो वही केस यहाँ पर बन जाएगा, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। Devries gave his mutation theory on organic evolution while working on किस पे वर्क किया था? Ionothora lamarckiana यानी evening primrose। Gene for cytoplasmic male sterility in plant generally located, तो दो दिन पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया। Cytoplasmic male sterility mitochondrial genome आपको याद करना पड़ेगा। A patient is generally advised to especially consume more meat, lentil, milk, egg in diet only when he suffer from, तो ज्यादा उसे करें, ज्यादा लेंटिल मतलब मसूर खाओ, ज्यादा एग खाओ, ज्यादा मीट खाओ, मतलब उसको प्रोटीन की कमी है, मतलब उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? क्वाशियोरकर हो सकता है बेटा, है ना। क्वाशियोरकर अगर होगा तभी उसको आप ये चीजें सजेस्ट करोगे। बैरोफिलिक प्रोकैरियोट, बैरो टर्म किसके लिए आता है? बैरोमीटर, प्रेशर को मेजर करने के लिए ना। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही गहरे समुद्र में पाए जाते हैं और जितनी गहराई में आप जाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। 93 पे चलते हैं। An important step in the manufacture of pulp of paper industry from the woody tissue plant is the, करें पेपर इंडस्ट्री में पेपर को बनाने के लिए जो पल्प हम यूज करते हैं उसको किस तरीके से, प्रिपरेशन ऑफ प्योर सेलुलोज बाय रिमूविंग लिग्निन, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पोटोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पोटोमीटर से क्या मेजर करते हैं बेटा? पोटोमीटर, पोटोमीटर, पोटोमीटर 94, पोटोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इक्वल टू द अमाउंट ट्रांसपायर्ड, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पोटोमीटर से क्या मेजर करते हैं बेटा, कोई बता सकता है? पोटोमीटर किसी को नहीं पता है, पोटोमीटर रूट प्रेशर को मेजर करता है। अच्छा गलत, हाँ गूगल कर लो। पोटोमीटर बेटा ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं ना। द एबिलिटी ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप टू कैप्चर इंसेक्ट इज ड्यू टू, वीनस फ्लाईट्रैप में जो कैप्चर को इंसेक्ट करने की प्रॉपर्टी है, पोटोमीटर टेम्परेचर नहीं बेटा ट्रांसपिरेशन को मेजर करते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो रैपिड टर्गर प्रेशर चेंज, ये आपको याद करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फेलेंजेस, फेलेंजेस के बीच में फाइब्रस जॉइंट नहीं होता, साइनोवियल होता है। कार्टिलेजिनस स्कल बोन, हाँ ये सही, कार्टिलेजिनस जॉइंट स्कल बोन के बीच में पाया जाता है ना, स्कल बोन में नहीं आ रहा है, ये मैं क्या बता रहा हूँ, कार्टिलेजिनस जॉइंट स्कल बोन में तो फाइब्रस होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाइगोपोफाइसिस ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्रा, वर्टिब्री के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। और हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री, वर्टिब्री में हिंज जॉइंट तो नहीं होता है।
तो तीन तो हमें पता है गलत है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन आपने भले नहीं पढ़ा लेकिन तीन ऑप्शन आपको पता है, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द रेड पांडा, रेड पांडा का स्टेटस क्या है। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बायोनीट में आपको क्वेश्चन दिया गया IUCN रेड लिस्ट के अनुसार, रेड पांडा का स्टेटस क्या है। रेड पांडा का स्टेटस क्या है, दैट इज द इनडेंजर्ड स्पीसीज, ये इनडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। ए पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ, अगर पर्सन प्रोलॉन्ग फास्टिंग में है तो उसके यूरिन में एबनॉर्मल कंटेंट होगा किसका, कीटोन बॉडीज का। फॉर रेटिंग ऑफ जूट एंड फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज, रेटिंग के लिए और फर्मेंटेशन के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटायलिकम का यूज किया जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन, प्रॉन हैज टू पेयर ऑफ एंटीनी, क्रस्टेशियन में टू पेयर एंटीनी होते हैं ठीक है, मिलीपीड हैव टू पेयर ऑफ अपेंडिसेस इन ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी सही है, एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम पोरिफेरा आर एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं, मोस्टली मरीन एंड फ्यू फ्रेश वाटर, एंड नेमेटोसिस्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम निडेरिया सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर सही है, और ए बी ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका पेपर हो गया बेटा, जो पेपर मैंने आपको कराया 100 क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये है AIPMT 2005 का पेपर था बेटा, ठीक है, AIPMT 2005 का पेपर था ये। ओके, तो अभी 10:30 से अमृता मैम की क्लास होगी, वो आपको सारे पॉइंट रिवाइज करेंगी जो एनसीईआरटी में शेप साइज साइंटिस्ट ईयर जितने भी पॉइंट थे, है ना, जितने भी पॉइंट थे जो मैंने आपको स्पेशल सरप्राइज सेशन में कराया, तो फास्ट रिवीजन कराएंगी, तो उस सेशन को ज्वाइन करिएगा। फिर 12:00 अनुराग सर की फिजिक्स की क्लास होगी जिसके लिए तुम लोग लगातार कह रहे थे, 3:00 फिर अमृता मैम का मैराथन होगा, और फिर 5:00 अनुराग सर की केमिस्ट्री की क्लास होगी, इसको भी आप करिएगा ठीक है, लगातार आप कर भी रहे हैं। और फिर मैं आपको आज बताऊंगा कि कल से हम जो रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी का उसकी टाइमिंग क्या होगी, एक मैं पोल भी कराऊंगा, तो बेटा पोल में सब लोग अपना जवाब दीजिएगा, है ना, वोटिंग करिएगा और लाइक तो कर दो तुम लोग, देखो 200 बच्चों ने करीब लाइक नहीं किया है, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा ठीक है। जल्दी से लाइक करो, जल्दी से, अगर कोई लाइक किए बिना गया ना तो ठीक है बेटा, अभी 10:30 से आपकी क्लास होनी है, तो हम लोग मिलेंगे शाम को, कुछ डिस्कशन करेंगे इस बारे में कि कल किस तरीके से हम अपना रिवीजन करें। 10 यूनिट है, मैं चाहता हूं कि एक यूनिट आपको डेली रिवाइज कर दो, उसमें जितना भी टाइम लगे, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पूरे जितने भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ाऊंगा नहीं मैं, पढ़ाना है तो उसके लिए मैंने क्रैश कोर्स अपलोड कर दिया है, और क्रैश कोर्स की 5 वीडियो 12-12 घंटे की मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आप 50 घंटे में सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, है ना। उसका प्रीमियर भी मैंने चला दिया था कल, पूरा रात भर प्रीमियर चला है, बहुत सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन भी किया था। तो शाम को डिस्कस करते हैं, है ना, शाम तक आप अपना पोल में जो भी वोट आप करना चाहे, टाइमिंग में आपको 3 टाइमिंग दूंगा, 8:00 9:00 10:00, जो भी टाइमिंग आपको अच्छी लगेगी उस पर आप वोट कर दीजिएगा, और उसी के हिसाब से कल हम स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, पढ़ाई